हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ में दही भल्ला रेसिपी। और दही भल्ला बनाना हुआ अब बिल्कुल आसान, घंटों का काम हुआ ख़त्म। तो बिना देर किए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे पैन को चूल्हे पे रख ली हूँ और हमने इसमें डाल लिया है 1.5 कप पानी। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक डाल के इसको हम बॉयल करेंगे। तो जब तक पानी में उबाल आता है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मिक्सर जार ले ली हूँ और इसमें हम डाल देंगे 1 कप सूजी। और सूजी को डाल के हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटा या पतला, क्योंकि सूजी को पीसना है। तो लीजिए, सूजी को हमने पीस के तैयार कर लिया है। और फिर से अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे पानी में उबाल आ गया है और पिसी हुई सूजी को हम इसी में डाल देंगे। इस पैचले से चलाते पकाते हुए इसको हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और लगातार इसको चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेगा। तो लीजिए, बिल्कुल ये ड्राई हो गया है। अब हम पके हुए सूजी को ढक के रख देंगे 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए। तो लीजिए, 10 मिनट तक ये रेस्ट हो गया है और सूजी हमारी अच्छी सी फूल गई है। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और फिर से इसको हम अच्छे से हाथों से ही गूँथ लेंगे। अगर हाथों में चिपक रहा है तो सरसों या रिफाइंड तेल आप ज़रूर लगा के इसको गूँथें। तो आटा हमारा गूँथ गया है और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसको हाथों से इस तरह से फैला लेना है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून साबुत जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया अदरक। तो इन तीनों चीज़ों को फिर से हम अच्छे से मिक्स करते हुए आटे को थोड़ा सा हम और गूँथ लेंगे। तो लीजिए, आटा हमारा गूँथ के बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नींबू जितना बड़ा ले रही हूँ। तो अब हम लोई को रोल करते हुए इस तरह से गोल शेप में बना लेंगे। तो लीजिए, हमने इसे रोल करते हुए गोल शेप में बना लिया है। तो अब हम फिंगर की हेल्प से इसमें बीचों बीच में होल कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें होल कर लेना है फिंगर से। और इसी प्रोसेस से जितना भी आटा है सबको हम बना के तैयार कर लेंगे। तो एक हमारा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए, सबको हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, सभी को हमने बना के तैयार कर लिया है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे तेल हमारा बिल्कुल गर्म है, तो सभी को हम इसी में फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके इसमें हम डाल देंगे सभी को। तो लीजिए, सभी को हमने डाल लिया है और अब हम इसको उलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, सूजी वड़ा हमारा फ्राई हो गया है और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर इसमें आया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसी प्रोसेस से बाकी का भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे प्लेट में। तो सारे वड़े को हमने फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ पे हमने ले लिया है 1/2 लीटर पानी। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो पानी और नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और तुरंत ही जितना भी वड़ा फ्राई किया है सबको हम इसी पानी में डीप कर देंगे। तो इस तरह से पानी में इसको डाल देना है और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये पानी में पड़ता जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ आता जा रहा है। तो लीजिए, सारे वड़े को हमने पानी में डाल लिया है और एक वड़ा हम बचा लिए हैं। इसको हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अंदर से भी कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डाल देंगे 1/2 लीटर दही। दही आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसी के साथ इसमें हमने डाल लिया है 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर। तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से विस्कर से। तो लीजिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है।
तो दही थोड़ी गाढ़ी है तो इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे जिससे कि ये थोड़ा पतला हो जाएगा। तो लीजिए दही और पानी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। तो अब हम दही में तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं चूल्हे पे एक ले ली हूँ तड़का पैन और ये करछी है तो इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। तेल जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी चना दाल और इसी के साथ कद्दूकस किया अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई लहसुन और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे राई, 8-10 करी पत्ता भी इसी में हम डाल देंगे और साथ ही में थोड़ी सी हींग डाल देंगे और अच्छे से इसको ऐसे हम मिक्स कर लेंगे, चला देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे लाल सूखी मिर्च और मैं यहाँ पे जीरा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमने सूजी वाले स्टफिंग में भी जीरा थोड़ा ज़्यादा ही हमने डाल लिया है। तो इसको हम अच्छे से चला देंगे और भून लेंगे थोड़ा। और तो लीजिए दही वाला तड़का रेडी हो गया है और इसको हम दही में डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए दही और तड़का को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो दही को अब हम रख देंगे साइड में और यहाँ पे सूजी वड़ा हमारा अच्छे से फूल गया है तो इसको हम पानी से निकाल लेंगे बाहर। तो इसमें से पानी हम इस तरह हाथों से थोड़ा निचोड़ लेंगे, नहीं तो इसमें पानी रह जाएगा तो टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। तो सभी वड़े को हम इस तरह से पानी निचोड़ते जाएंगे हाथों से और दही में डीप कर देंगे। तो लीजिए सभी सूजी वड़े को हमने दही में डीप कर लिया है और अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे और स्पून से इसको हम थोड़ा इस तरह से कर लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो अब दही वड़ा हमारा बनके बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से चिली फ्लेक्स और हरी धनिया की पत्ती से स्प्रिंकल कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने इसे बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है, बिना दाल पीसे, बिना भिगोए, बिना झंझट के इस रेसिपी को बना के हमने तैयार किया है। तो हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और इस रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार बना के आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।